जन चौपाल में ग्रामीणों की सुनी समस्या। विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 6 महीने बचे हैं, किंतु राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों को देखते हुए लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी के नेता चुनावी मोड में आ गए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट बचवाने में नाकाम रही, जिससे सबक लेते हुए कांग्रेसी आम जन तक पहुंचने लगे हैं। इसी कड़ी में कोटा मंडी अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने चुरेली ग्राम पंचायत के सुदूर अंचल पारा मोहल्ला में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुनी और कुछ समस्या का तत्काल उच्च अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर निदान किया। मंडी अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने समय न्यूज लाइव से बताया कि चौपाल में ट्रांसफार्मर, राशन कार्ड, जमीन संबंधी समस्या ग्रामीणों ने बताई, जिस पर उच्च अधिकारियों से चर्चा कर उस समस्या का समाधान सभा स्थल पर भी किया गया। और कुछ समस्याएं जैसे कि सी रोड, जिसे मंडी बोर्ड से स्वीकृत कराकर जल्दी बनाने का आश्वासन दिया गया। संदीप शुक्ला ने कहा कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जन जन पहुंचकर जनता की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अनुसरण करते हुए हम सभी कांग्रेस जन गाँव गाँव पहुंचकर भेंट मुलाकात कर जनता की समस्या एवं मांगों का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। मंडी अध्यक्ष शुक्ला ने कहा कि कोटा विधानसभा के प्रत्येक गांव में जनसंपर्क कर जनता के बीच धान खरीदी, राजीव गांधी न्याय योजना, बिजली बिल हाफ, बेरोजगारी भत्ता, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, राजीव युवा मितान क्लब, गौठान योजना, रिपा, गोबर खरीदी, वन भूमि अधिकार पत्र से हुए फायदे को जनता को बताया जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनता का रुझान देखते हुए स्पष्ट लग रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल पर फिर से भरोसा जताते हुए प्रचंड बहुमत से राज्य में कांग्रेस सरकार बनाएगी। मंडी अध्यक्ष के साथ व्यापारी प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष अमित गुप्ता, किसान कांग्रेस प्रदेश सचिव AK राय, उप सरपंच कपिल जायसवाल, रविराज रजक, ईश्वर तंवर, सेवादल अध्यक्ष मनमोहन दास मानिकपुरी, मनु टेकाम सहित स्थानीय ग्रामीण जन उपस्थित थे। विधानसभा जो कि काफी हद तक वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है और यहाँ की आधी आबादी वनों पर निर्भर करती है, वहीं से आय का इनका मुख्य जरिया है। और आज हम लोग केंद्र के गांव आमागार, जो कि चुरेली ग्राम पंचायत का एक हिस्सा है, यहाँ पर स्थित है और ये गाँव वन से लगा हुआ है। यहाँ के लोगों की बहुत सारी समस्याएं इन्होंने आकर के मुझे बताई, जैसे कि यहाँ ट्रांसफार्मर की समस्या है, सड़क की समस्या है और पानी की समस्या है। हमने उच्च अधिकारियों से चर्चा करके इनकी ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करा दिया गया है, साथ ही साथ हैंडपम्प कुछ दिनों के अंदर इनके हैंडपम्प लग जाएगा और CC रोड की व्यवस्था हम लोगों ने मंडी बोर्ड के माध्यम से प्रस्ताव भेजा है और जल्द ही CC रोड बन जाने से यहाँ के लोगों की समस्या। हमारे माननीय मुखिया भूपेश बघेल जी लगातार भेंट मुलाकात के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जन जन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जहां वो जाते हैं और जहां तक वो नहीं जा पाते हैं, वहां हम कांग्रेस के लोग जाते हैं और हमारे माध्यम से इन सब की आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब की समस्याओं का हल करते हैं, यही हम लोगों की ताकत है। आपका परचून संदीप शुक्ला, अध्यक्ष कृषि उपज मंडी कोटा। बिलगैना से रविराज रजक की रिपोर्ट।